घमंडी बीवी। गुजरात में मोहित नाम का एक अच्छा आदमी रहता था। उसकी उम्र तो बढ़ रही थी मगर फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। उनके घर एक पंडित आकर मोहित के माँ से, क्यों जमुना भाई, आपके बेटे की शादी और कब करोगे? उसकी उम्र बढ़ रही है, ऐसे ही और थोड़े दिन गुजर गए तो कोई उसे अपने बेटी का हाथ नहीं देगा। कोई भी रिश्ता लाइए पंडित जी, उसकी शादी जल्दी करवा देंगे। इतने दिन अच्छे दहेज मिलेगा सोचकर इंतजार करते करते रह गए और कब उसकी उम्र बढ़ गई ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है जी, आप उतना उदास मत होइए। तुम्हारे बेटे के लिए एक अद्भुत रिश्ता लेकर आया हूँ, अगर वो बहुत अमीर है आप जितना चाहे उतना दहेज तो देंगे। ऐसे कहते ही तब तक उदास बेटी जमुना भाई एकदम से झूमते हुए, इतने अच्छे खबर को ऐसे धीरे से क्यों बोल रहे हो पंडित जी, तुम्हारा मुँह मीठा करूँगी, ठहरिए अभी आती हूँ। कहकर अंदर जाकर चार लड्डू लाकर पंडित को खिलाते हुए, खाइए जी खाइए, तुरंत वो रिश्ता पक्का करके मेरे बेटे की शादी जल्दी करवा दीजिए। पंडित उस लड़की से मोहित की शादी बहुत धूमधाम से करवाए। अम्मा, मैंने आपके पास सिर्फ एक ही सच छुपाया है, वो लड़की को थोड़ा सा घमंड है, आप ही उसे थोड़ा सुधारना होगा। जाने दीजिए, ऐसे अमीर लड़की को घमंड रहना मामूली सी बात है, मैं भी एक जमाने में ऐसी ही रहती थी। ठीक है, वैसे इसकी शादी हो गई ना, मैं काशी जाकर आऊंगी, तब तक वो दोनों एक दूसरों को अच्छे से समझेंगे और एक हो जाएंगे। बोलकर मोहित की माँ जमुना भाई मोहित से, रे नालायक, मैं काशी जा रही हूँ, तुम और बहू संभल के रहना। और अपने बहू से, देखो बेटी वो माँ का लाडला है, उसका ख्याल रखना। आप घबराइए मत सासु माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी। बोलकर जमुना भाई को विदाई दिए। उसके बाद आराम से सोफा में बैठकर टीवी देखते हुए मोहित से करिश्मा, अब टीवी देखना बहुत हो गया, उसे बंद करके अब खाना पकाना शुरू करो, मेरे दोस्त आ रहे हैं। क्यों रे, मैं बावर्ची का काम तो करता हूँ मगर वो सिर्फ घर के बाहर 5-स्टार होटल में, क्योंकि वो मेरी नौकरी है, मगर जब मैं घर पर हूँ तो मैं एक मर्द हूँ। तुम खाना पकाए तो अच्छे से खाऊंगा मगर ये खाना बनाना और बर्तन धोने जैसे काम मैं घर में मरकर भी नहीं करूँगा, मुझे ऐसे काम मत बोलो। वो बात सुनते ही करिश्मा, आप अब खाना पकाएंगे कि नहीं? नहीं तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी, मेरे दोस्त को कम से कम ठीक से खाना खिला नहीं पाने वाले इस घर में मैं हर किस नहीं रहूंगी, अभी चली जाऊंगी। ऐसे रुट कर जा रही थी मोहित घबराते हुए, रुको रुको, शादी होके सिर्फ 4 दिन हुए हैं, अगर अब तुम मायके गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए खाना पकाना है बस वही ना। कहकर रसोई में जाकर फटाफट से उसके दोस्तों के लिए खाना रेडी किया और जज से करिश्मा के दोस्त भी आए फ्रेंड्स आते ही, हे करिश्मा आओ ना बाहर जाएंगे, अच्छे से शॉपिंग करके एक जबरदस्त मूवी देखकर बाहर ही खाना खाएंगे। बाहर का खाना क्यों, अपने ही घर में स्वादिष्ट खाना पकाया हुआ है ना। तुम बहुत बदल गई हो करिश्मा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। ओ जी, रसोई में से मेरे पकाए हुए पकवान लाकर फटाफट टेबल पर रख दीजिए, मेरे दोस्त आए हैं। पुकारते ही, अब्बा मेरे पकाए हुए खाने को इसने खुद पकाया है कहकर अच्छे से बिल्डअप तो दे रही है, सोचकर बिना कुछ कहे टेबल पर रख दिया। उसे करिश्मा के फ्रेंड्स देखकर, क्यों करिश्मा ये तुम्हारे पति है क्या, मैं इसे देखकर नौकर समझ रही थी। इनका मुंह, इन्हें खाना पकाना ही नहीं आता, ये बेकार है, सब काम मुझे ही करना पड़ता है, कम से कम ग्लास भर पानी भी नहीं देते ये मुझे। मोहित दंग रह गया और मन में, काम मेरा और नाम तुम्हारा, ये अच्छे से बिल्डअप देकर खुद की तारीफ करवा रही है, ठीक है सोचते हुए टीवी देख रहा था। ओ जी, वैसे टीवी के सामने बैठ गए आकर हमें खाना परोसो ना, आप होटल में तो कस्टमर्स को हंसते हुए खाना परोसते हो और अब गराए मेहमान को परोसने में क्या तकलीफ है। बोलते ही खामोश होकर उठकर मोहित उन सबको खाना परोसने लगा। करिश्मा, तुम्हारे शादी होकर सिर्फ 4 दिन हुए हैं और तुमने अपने पति को इतनी कंट्रोल में रखा है, तुम मामूली औरत नहीं हो। ऐसे करिश्मा की प्रशंसा करने लगे, मोहित के बनाए खाना पूरा खाकर खाली कर चले गए। वो देखकर मोहित, क्यों री तेरे फ्रेंड्स बकासुर के बहन लग रहे हैं, कुछ बचा ही भी नहीं सब कुछ खाकर चले गए, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ तो पकाओ ना। मैं थक चुकी हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, जाकर सो जाऊंगी, 1 घंटे के बाद मुझे उठाकर टी बनाकर देना, इस बीच तुम भी कुछ न कुछ बनाकर खा लेना।
ऐसे पति को काम वाला बना कर सकाओगी तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। गुड आइडिया जी, तुरंत सन्यासी बन जाइए, मैं भी आपके साथ सन्यासिनी बन जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स को भी साथ लेकर पूरा देश घुमाएंगे। वैसे रास्ते में हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा ना, इसलिए आप हमारे लिए खाना पकाना, ठीक है? अरे बाप रे, ये कौन सी घमंडी बीवी है रे, मैं अगर शादी नहीं करता तो ही अच्छा रहता, अब से मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनकर रहना होगा, कहकर दुखी होकर जिंदगी भर जोरू का गुलाम बनकर रह गया। एक बार एक गांव में रघु नाम का एक बच्चा अपने पापा से, पापा ये सीलिंग फैन को आपने ऐसे ऊपर क्यों लटकाया है या ऐसे दीवार पर क्यों नहीं लगाया? ये कैसा सवाल है, सीलिंग फैन को सीलिंग से लटकाना चाहिए, साइड के दीवार पे थोड़ी ना लटकाएंगे बेवकूफ। अरे पापा ठीक से जवाब दो ना पापा। अरे भग उठो यहाँ से, सब उठपटांग सवाल पूछते हो, कहकर चिढ़ जाते हैं। वैसे रघु बड़ा होकर केमिकल इंजीनियरिंग करके एक बड़े से केमिकल फैक्ट्री में काम करने लगता है। फैक्ट्री का मालिक इंजीनियर्स को बुलाकर, देखिए हमारे प्रोडक्ट्स के सेल्स बढ़ाने के लिए कोई बढ़िया आइडिया हो तो हमें जरूर बताइए। सर हमारे सारे प्रोडक्ट्स चीटिया मच्छर कॉकरोच मक्खी जैसे प्राणियों को मारने के लिए बने हैं, इसीलिए हमें इन्हें बस्तियों में गांव में और दूसरे पिछड़े इलाकों में बेचना चाहिए सर, शहर में इनका ज्यादा गिराक नहीं मिलेगा हमें। सर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया है सर, क्यों ना हम हमारे शहर में चीटिया मच्छर कॉकरोच और मक्खी पाले। क्या चीटियां और मच्छर पालोगे? सर मेरे कहने का मतलब है कि चीटियों को चीनी पसंद है ना सर, क्यों ना हम हमारी दवाइयों में चीनी मिला दें? कॉकरोच को खट्टे चीजों का दुर्गंध बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम लोग फाउल स्मेलिंग केक्स तैयार करें। हाउ इज माई आइडिया सर? भक नाकाम कही के, बकवास आइडिया है तुम्हारा, तुम्हें इससे बेहतर आइडिया नहीं मिला क्या, कहकर सभी के सामने रघु को डांटता है। बाहर जाकर रघु, इन लोगों को मेरे आइडिया का महत्व समझ नहीं आ रहा, तुरंत यहाँ की चींटियों को और कॉकरोच को बड़ा करना होगा, तब उन चींटियों को और कॉकरोच को मारने के लिए टन की मात्रा में केमिकल्स चाहिए होंगे, तब मेरे आइडिया का महत्व पता चलेगा इन लोगों को। सोचकर अपनी केमिकल फैक्ट्री में एक दवाई को बनाकर दूसरी दवाइयों में मिला देता है। थोड़े दिनों बाद एक घर में, सुनिए सुनिए घर में चींटियां बहुत ज्यादा हो गई है, वो चींटियां मारने वाला दवाई जरा दीजिए यहाँ। बस वो दवाई इस्तेमाल करते ही वो चींटियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। एक और घर पे कॉकरोच की दवाई मारते वक्त वो कॉकरोच बहुत बड़े हो जाते हैं। ऐसे पूरे गांव में चींटियां और कॉकरोच बहुत घूमने लगते हैं। उस शाम को गांव वालों की बैठक होती है। देखिए हमारे गांव में चींटियां और कॉकरोच होने की वजह से हमारा इस गांव में रहना उचित नहीं होगा, इसीलिए हम इस गांव के नीचे अंडरग्राउंड में एक और गांव बसाएंगे। सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आने पर अंडरग्राउंड में एक गांव का निर्माण करते हैं। शाम को रघु, अब इस गांव में जो चींटियां और कॉकरोच हैं, उनको मारने के लिए बहुत सारा केमिकल्स चाहिए, अब तुम लोग मुझे याद करोगे, कहकर सोचते हुए एक चींटी उसके सामने आती है। हाय चींटी, मैंने ही तुम्हें इतना बड़ा बनाया है, पता है क्या? अरे बेवकूफ, तूने ही हमें इतना बड़ा बनाया क्या? हाँ हाँ मैंने ही बनाया है, अब तुम्हें बहुत आराम होगा ना। अबे नालायक, तुम्हारी वजह से हमें खाना नहीं मिल रहा, पता है एक ही झटके में मिट्टी से बना हुआ पूरा घर नष्ट हो गया, क्या करें पता नहीं चल रहा, इसीलिए ऐसे गली गली घूम रहे हैं। तब वहाँ दूसरे चींटियां भी आती हैं। दोस्तों इसकी वजह से ही हमने अपना घर खो बैठा है, इसकी वजह से ही हमें खाना नहीं मिल रहा है, इसको हम मार डालेंगे, कहकर चींटियां रघु के पीछे भागने लगती हैं। हे भगवान बचाओ,
बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। रघु तुरंत फैक्ट्री में आकर चींटियों को छोटा बनाने वाली दवाई बनाकर उन चींटियों पर उसका प्रयोग करता है। बस तुरंत वो चींटियां फिर से छोटी हो जाती हैं। हे भगवान, जान छुटी मेरी। मैंने अपने गांव को इतना कष्ट दिया है। सोचकर एक हेलीकॉप्टर लेकर तैयार की हुई दवाई पूरे गांव में डाल देता है। बस वहां की चींटियां, मच्छर और कॉकरोच सभी छोटे हो जाते हैं। अंडरग्राउंड में रहने वाले गांव वाले वापस अपने अपने घरों में खुशी से रहने लगते हैं।